बंगो ने हिमाचल की सियासत को ऐसे हिलाया है कि जनता को यह पता नहीं चल रहा है कि कोरोना बड़ा पंगा है या फिर सत्तारूढ़ भाजपा में चल रहा वो बड़ा है। अखबारों की सुर्खियों में एक तरफ कोरोना की खबर है तो ठीक बराबर में भाजपा का रोना छपा हुआ नजर आ रहा है। हर कहानी में भाजपा के करेक्टर है पर निर्देशन कांग्रेसी कर रहे हैं। कहीं भाजपा ही खुद ही कांग्रेसियों को भगवान ड्रेस पहनाकर अपनी पार्टी में रोल दे रहे हैं। सिलसिलेवार बात करें तो चंद रोज पहले एक ड्रामा कोरोना पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग को लेकर शुरू हुआ। पॉलिटिकल थाने की एफआईआर में लिखवा दिया गया कि जनाब हम तो चुपचाप बैठे हुए थे पर कांग्रेसियों ने हमला करके हमारी चुप्पी को तोड़ दिया। भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा नेता इस सियासी एफआईआर में नामजद कर दिए गए पर बाद में खुलासा हुआ कि जिस कागजी हथियार के साथ सरकार पर हमला हुआ उसका निर्माण तो सरकारी कारखाने में ही हुआ था। सवाल उठ गया कि घटनास्थल पर कांग्रेसियों का दफ्तर तो दूर की बात, स्टाफ तक नहीं था, फिर कागज का हथियार किसने बनाया और क्यों बनवाया? सरकारी पीठ पर हुए हमले में इस्तेमाल किए गए कागजी हथियार की पॉलिटिकल फॉरेंसिक जांच भी नहीं हुई। हुआ यह कि कांग्रेसी मजे से सरकार के हाथों सरकार का ही काम तमाम कर गए पर इस बात की जांच नहीं हुई कि कांग्रेसियों को हथियार किसने बना कर दिया। मौका है वारदात पर भाजपा की जांच टीम ने कागज पर भाजपाई विधायकों के फिंगरप्रिंट देखे और अपने सिपाहियों की खड़काई कर दी। कुछ माफिया मांगते रह गए तो कुछ किस्मत को कोसते हुए रह गए। देखिए, ये कोई मुकेश जी के नेतृत्व वाला कोई ऐसा डेलीगेशन नहीं था, ये केवल हम लोग सब अपने विधानसभा कमेटी मीटिंग्स लिए वहां पे गए हुए थे। वहां से उसके बाद ये बात हुई कि चर्चा करनी है, सीएम साहब से डेलीगेशन मिलना, ये करना वो करना, ये सब लोग फिर इकट्ठे होके एक मजाकी तौर पे हम सब लोग इकट्ठे होके फिर उसके बाद स्पीकर साहब के पास गए। सबने ये था कि विधायक नीति के बारे में चर्चा थी, फलानी बात थी, और चीजें चर्चा थी और एक बात स्पष्ट बड़ी क्लियर थी कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कोविड की लड़ाई में बहुत ऊंधा तरीके से काम किया और हम सब सरकार के साथ हैं। ऐसी कोई मांग नहीं की गई जिसके माध्यम से हम चाहेंगे कि आज ही जो है वो सेशन बुलाया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं खड़ी की जाए कि इमीडिएटली जो सेशन बुलाया जाए, जब भी अगस्त सितंबर में सेशन होगा उसमें कोविड के बारे में जो अगली चर्चा उसके बारे में बात करेंगे, तुरंत सेशन मांगने की कोई बात नहीं। जड़ की खुदाई की जगह शाखाओं की कांड छांट करके अपना काम निपटा दिया। अब हेल्थ महकमे के कांड को लेकर फिर विवाद खड़ा हुआ है। पहली दफा हुआ कि चंद घंटों में ऑडियो कॉल के आधार पर अफसर उठ गया। हाँ सुमान, ठीक है ले लो। कितना ले? सर आपने 5 लाख बोला था जनाब। ठीक है 5 लाख ले लो। ठीक है ठीक है, ओके सर। अफसर के उठने की देर थी, एक और विवाद उठ गया। इसमें नाम आया एक भाजपा के वरिष्ठ नेता का। शिमला के गलियारों में इन वरिष्ठ नेता का नाम तो ऑडियो के साथ ही बराबर वायरल हो गया कि तार इनके साथ ही जुड़े हुए हैं। 2 दिन बाद यह नाम अब प्रदेश भर में भी गूंजना शुरू हो गया है। हेल्थ महकमे के अफसर की मूवमेंट को लेकर चक्कर पड़ गया है। यहां फिर कांग्रेसी नेता यह लीड जबरन सरकार को दे रहे हैं कि यह अफसर शिमला के आज के कामना नगर और पुराने चक्कर इलाके में चक्कर काट रहे थे। गौरतलब है कि चक्कर में भाजपा का प्रदेश मुख्यालय दीप कमल है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाजपा को दोनों मामलों में सारी कहानी का सार पता ना हो। मामले उलझते जा रहे हैं और उलझने भी, हल्ला खूब चल रहा है और कोई हल नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यह पब्लिक है, सब जानती है। दरअसल यही खबरें के सहयोग से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।